जिंदगी है, जीवन मिला है, तो कभी खुशी कभी गम तो हो ही जाता है, कभी दुख आते हैं कभी सुख आते हैं। ये दुख सुख क्या है? वास्तव में दुख और सुख वही है जो हमने पूर्व जन्म में किया। अगर आप गेहूं का फसल लगाओगे तो वहां से धान नहीं उगेगा, गेहूं का फसल लगाओगे तो गेहूं ही काटोगे, कांटे लगाओगे तो कांटे ही काटोगे। आपने गेहूं लगाने के बाद आप धान का चावल का उम्मीद नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में आपने क्या किया, आपने कैसा पुण्य किया, कैसा पाप किया, उसी के हिसाब से आपके सुख और दुख तय होते हैं, बन जाते हैं। ये जीवन जो है ना प्यारे, जैसे कि मूवी पिक्चर पहले बन जाता है, उसको पूरा बनाया जाता है, कहाँ का कैसा सीन लेना है वो ले लिया जाता है। उसको पूरा बनाने के बाद 3 घंटे के पिक्चर बनने के बाद में रिलीज होता है और हॉल में जाकर के अपने घर में बैठ करके हम सब देखते हैं। और वहां पर कोई अच्छा सा सीन चल रहा है तो हम बोले कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सीन चलता रहे, ये खत्म ना हो, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर उस पिक्चर में हीरोइन का एक्सीडेंट हुआ, हीरो रो रहा है, तो हम सोचे हम भी रो रहे हैं, ये दुख तो ना आए, ये सीन को हम पिक्चर से हटा दें, तो ऐसा हो सकता है? आप हटा सकते हो? नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि पिक्चर पहले बन चुकी है, आप बाद में देख रहे हो। उसी प्रकार ये जीवन रूपी पिक्चर भी पहले बन चुका है, अभी आप उस पिक्चर को जी रहे हो। प्यार से बोलो, इसीलिए हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। हमने पहले कैसा कर्म किया उसी हिसाब से ये जीवन रूपी पिक्चर को बनाया गया। और कभी भी अगर दुख आए तो दुख में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप सोचिए, हम भगवान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये छोटा मोटा संकट तो आ ही जाता है। हंस करके हर दुख का हल निकाला जा सकता है। भगवान से अगर जुड़ोगे तो छोटी मोटी दुख फिर नजर नहीं आती। प्यार से बोलना पड़ेगा।